देखो बेटा, इस सवाल में वर्मा सर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब, एक ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम का है, मूव कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे बेटा? हाईएस्ट पॉइंट इन ए क्लोज सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर केप्ट इन ए वर्टिकल प्लेन। तो इसको आप मान सकते हैं कि साहब हमारे पास ये सर्कुलर ट्यूब है। ट्यूब थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि एक छोटी सी ट्यूब है जिसके अंदर आपके पास एक ये ब्लॉक है जिसका मास आपको मालूम है 100 g, मतलब मास में जी ग्राम होता है, एम एल राइट, और केजी में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 kg हो गया, एम एल राइट बेटा। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, एम एल राइट, और ये आपका रेडियस हो गया, और इतना ही रेडियस आपका यहाँ पे भी होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इनकी वेलोसिटी है, जिसको आपने यू मान रखा है, वो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की है, एम राइट। और जो आपका रेडियस है वो आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपको 0.1 मीटर का दे रखा है। बताना क्या है, ये ब्लॉक है, ये घूम रहा है, डेंग 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 डेंग, घूम के अंत में जो है यहाँ पे आके चुपचाप रुक जाता है, यानी कि यहाँ पे जब आया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0 हो गई है, एम आई राइट। और जब ये यहाँ पे आया है तो अगर ये मेरी बेस लाइन है तो हाइट भी आपकी 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसके पास ना काइनेटिक एनर्जी होगी, ना ही आपकी, ये पॉइंट आप इसी पे मानिए, बेस पॉइंट पे मानिए, और बहुत कम है, छोटा सा है इन कंपेयर टू द रेडियस, तो आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों 0 होगी, यानी कि हम कहेंगे फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ना उसके पास स्पीड है ना उसके पास हाइट है, इसलिए 0 हो जाएगी। बस आप इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए, इनिशियल देखिए बेस लाइन ये है तो उसके पास क्या है, हाइट पे इतनी हाइट उसने एक्वायर कर रखी है, आर इंटू आर, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, प्लस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी भी है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इनिशियली उसके पास पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है, जिसको आप कह सकते हैं एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एम आपका 0.1 है, ये 9.8 है, हाइट कितनी हो गई, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, और यहाँ से बेस लाइन से आप नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 आर, यानी 0.2 हो जाएगी। अगेन काइनेटिक एनर्जी निकालिए, मास कितना बेटा? 0.1, वेलोसिटी 5 इंटू 5, काम बन गया आपका, ठीक। तो आपने कहा इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आ गई, जो आपकी इनिशियली एनर्जी है, टोटल इनिशियल एनर्जी वो कितनी हो गई? ये हो गई 6, 18, 1, 19, और पॉइंट किसके पास लगेगा? 1, 2, 3। अगेन जब आप यहाँ हैं, 5 25 5 125, एम आई राइट, और यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, आपको जब हटाएंगे तो 0.5 नहीं होगा, 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0.5 होगा, 0.1 है, कट के 10 हो जाएगा, तो ये आपका 0.5, और एक आप जैसे ही 10 करेंगे तो 0.05 होगा, यानी 2 के बाद लगा है, आपने कहा 2 के बाद, इसलिए टोटल इनिशियल आपके पास कितनी हो गई बेटा? जोड़ लीजिए, 1 0 बढ़ा लेते हैं, अब जोड़ना आसान हो जाएगा, 6 4, एम राइट, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, 0.1, या आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल टोटल एनर्जी 1.45 जूल था। आपको निकालना क्या है? वर्क डन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा दीजिए, आप जानते हैं जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होता है, तो ये कोई भी एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल,
फाइनली आपने देखा कि यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी, और आपकी हाइट भी जीरो हो गई थी, ना आपके पास काइनेटिक थी ना आपके पास पोटेंशियल थी, यानी फाइनली जीरो हो गया था, तभी तो रुका है भैया। और इनिशियली आपके पास था 1.45, यानी आप कह सकते हैं कि वर्क डन जो था 1.-1.45 जूल का था।